रणवीर अपनी जगह से उठा और वेदांत के पास आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाले और बाहर की तरफ देखते हुए बोला, मुझे सब कुछ जानना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे अब कुछ नहीं छिपाओगे, क्योंकि मैं इतना तो समझ गया हूँ कि तुमने जानबूझकर मुझे शिमला भेजा ताकि मैं माही से मिल सकूं। तो अब मुझे ये भी बताओ कि पिछले 5 साल तक तुमने माही की इन्फॉर्मेशन हाइड क्यों की? तुम पहले भी तो मुझे बता सकते थे माही के बारे में, जबकि तुम भी अच्छे से जानते थे कि माही को ढूंढने के लिए मैंने जमीन आसमान एक कर दिया था, कितना तड़पा हूँ मैं उसके लिए, और तुम चुपचाप सब देखते रहे। वेदांत कुछ देर चुप रहा, फिर कुछ सोचने के बाद बोला, 5 साल पहले जब मैं डॉक्टर से तुम्हारी रिपोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहा था, उस वक्त अचानक माही की कॉल किसी अननोन नंबर से मेरे पास आई। वो काफी घबराई हुई थी। उसने मुझे सिटी हॉस्पिटल बुलाया था और ये भी कहा था कि इसके बारे में किसी को कुछ न बताए। जब मैं सिटी हॉस्पिटल पहुंचा तो माही बेसुध सी बेड पर बैठी हुई थी। वो काफी सहमी हुई सी नजर आ रही थी और मुझे देखते ही जोर जोर से रोने लगी। वो पूरी तरह से टूट गई थी और रोते हुए सिर्फ एक ही बात दोहराई जा रही थी कि रणवीर ने मुझे छोड़ दिया, उसने अपना वादा तोड़ दिया, उसने मुझसे कहा था कि वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। माही को उस वक्त संभालना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसका भरोसा तुम पर से पूरी तरह से खत्म हो गया था। जब मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें बुला लेता हूँ, तब वो एकदम पैनिक होने लगी। वो तुम्हारे नाम से भी डर रही थी। उस वक्त नर्स और मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे तुम्हारा डर उसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो गया था। तब उसे शांत करने के लिए नींद का इंजेक्शन देना पड़ा। फिर मैं डॉक्टर से मिलने उनके कैबिन में जा ही रहा था कि तभी मेरी मुलाकात उस औरत से हुई जो माही को हॉस्पिटल लेकर आई थी। उसने मुझे बताया कि उसे माही हाईवे पर रोड के किनारे बेहोश मिली थी। इतना कहकर वेदांत कुछ देर के लिए चुप हो गया। रणवीर अभी भी एकटक बाहर की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा जितना शांत लग रहा था, उसकी आंखों में उतना ही दर्द नजर आ रहा था। उसकी आंखें अब नम थी। वो तो जैसे माही की हालत को महसूस कर पा रहा था, उसके दर्द को महसूस कर पा रहा था। वेदांत ने आगे बोलना शुरू किया, मैंने उस औरत का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अगर वो माही को अपने साथ नहीं लाती तो हो सकता था माही किसी गलत हाथों में पहुंच जाती। फिर मैं डॉक्टर से मिलने गया तो डॉक्टर ने बताया कि माही प्रेग्नेंट है। वेदांत की बात सुनकर रणवीर को अब खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा, जिस वक्त उसे सबसे ज्यादा प्यार और केयर की जरूरत थी, मैंने उसके साथ। वेदांत ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुमने भले ही उसके साथ वो सब अनजाने में किया और ड्रग्स के असर में किया, लेकिन सच यही है कि तुमने उसे ना भूलने वाला एक दर्द दिया है रणवीर। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस प्रेगनेंसी के लिए उसकी उम्र भी काफी कम थी। शायद वो इस प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन की वजह से ये प्रेगनेंसी आगे चलकर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है और आगे जाकर उन्हें अबॉर्शन का डिसीजन लेना पड़ सकता है। जब माही को मैंने उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो कुछ पल के लिए ही सही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे उसे जिंदगी जीने का मकसद मिल गया हो। मुझे याद है जब उसने कहा था कि ये मेरे और रणवीर के प्यार की निशानी है और मैं इसे दुनिया में जरूर लाऊंगी। फिर वेदांत ने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, उस वक्त एक 19 साल की लड़की का ये जज्बा देखकर मैं भी हैरान रह गया था। वो अच्छे से जानती थी कि उसकी प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और बच्चों को जन्म देते वक्त उसकी जान तक जा सकती है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी, क्योंकि वो तुमसे सच्चा प्यार करती थी, शायद अपनी जान से भी बढ़कर। वेदांत की बात सुनकर रणवीर एकदम से फ्रीज हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका माही के साथ वो सब करने के बाद भी माही उसके बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी, वो भी तब जब इससे उसकी जान को खतरा हो सकता था। वेदांत ने आगे कहा, लेकिन उस वक्त उसने मुझसे एक वादा भी लिया कि तुम्हें उसके और उसके बच्चे के बारे में मैं कुछ न बताऊं, क्योंकि उसे लगता था कि तुम उससे उसके बच्चे छीन लोगे। रणवीर ने हैरानी से कहा,
मैं भला माही से उसके बच्चे क्यों छीनता? मैं अपने ही बच्चे को उसकी माँ से दूर क्यों करता? वेदांत ने गहरी सांस लेकर कहा, जानता हूँ रणवीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन माही के दिल में ये डर बैठ गया था क्योंकि उसने तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी और उसने मुझसे वादा भी लिया था कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं, और अगर मैं ये वादा तोड़ता तो माही बिना बताए कहीं और चली जाती। उसके बाद हम चाहकर भी उसे ढूंढ नहीं पाते। सोचो तब वो कैसे अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखती। उसके बाद मैं माही को शिमला ले आया। हालांकि मैंने माही से पूछकर प्रिया को भी सब बता दिया था, क्योंकि माही को संभालना मेरे लिए भी काफी मुश्किल था और एक लड़की ही एक लड़की को काफी अच्छे से समझ सकती है, और माही की प्रेगनेंसी में उसके पास किसी फैमिली का होना भी जरूरी था जिस पर वो ट्रस्ट कर सके, और प्रिया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। माही भले ही हमारे सामने कितनी भी स्ट्रांग बनने की कोशिश करती थी, पर प्रिया और मैं जानते हैं कि आज भी वो अकेले में तुम्हें याद करके रोती है। फिर बच्चों के जन्म के वक्त माही दर्द में भी सिर्फ तुम्हें पुकार रही थी। एक बार तो मेरा मन हुआ कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं और वहां बुला लूं, लेकिन मैं माही से किए हुए वादे से बंधा हुआ था, और अगर मैं अपना वादा तोड़ता तो माही शायद ही फिर किसी पर भरोसा करती। अपने बाबा के जाने के बाद माही ने सिर्फ तुम पर भरोसा किया था, लेकिन उसका वो भरोसा टूट गया। पर अगर मैं भी उसका भरोसा तोड़ देता तो शायद वो हम सबसे बहुत दूर चली जाती, इसलिए मैंने तुमसे माही की सारी इन्फॉर्मेशन छिपाई। हालांकि मैंने और प्रिया ने माही को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माही ना कुछ सुनना चाहती थी न तुमसे मिलना चाहती थी, पर वो तुमसे नफरत भी नहीं करती थी। ये सुनकर कि माही ने उससे कभी नफरत नहीं की, रणवीर को अंदर ही अंदर खुशी महसूस हुई, साथ ही साथ गिल्ट भी महसूस हुआ कि उसने माही को कितना दर्द दिया फिर भी वो उससे प्यार करती रही। वेदांत ने आगे कहा, फिर प्रिया और मैंने डिसाइड किया कि हम तुम्हें सब कुछ तो बता नहीं सकते, लेकिन हम ऐसे सिचुएशन तो बना ही सकते हैं ना जिससे तुम दोनों का आमना सामना हो और तुम्हें पता चल जाए कि माही कहाँ है। फिर आगे तो तुम्हें पता ही है कि मैंने तुम्हें शिमला कैसे भेजा। ये सब सुनने के बाद रणवीर बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा था। जिस वक्त उसके प्यार को उसकी माही को सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी, वो उसके साथ नहीं था। माही का गुस्सा अपनी जगह जायज था, और ये गुस्सा कई सालों से उसके अंदर भरा हुआ था। रणवीर घुटनों के बल फर्श पर ही बैठ गया। अब उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। वो माही के दर्द को महसूस कर पा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने प्यार को इतना दर्द देगा। वेदांत ने रणवीर के कंधे पर हाथ रखकर उसे संभालते हुए कहा, रणवीर खुद को संभालो, क्योंकि अब माही को तुम्हें ही संभालना है। बहुत सहन कर लिया उसने, उसने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख लिया है। अब कोशिश करो कि उसे आगे कोई और तकलीफ ना हो। माही ने तो अपना प्यार निभा दिया, अब तुम्हारी बारी है अपना प्यार निभाने की। रणवीर वेदांत के गले से लग गया और अपनी रूंधी आवाज में बोला, वेदांत मैं अपना प्यार नहीं निभा पाया, लेकिन तुमने सच्चे दिल से अपनी दोस्ती निभा दी। थैंक्स मेरे भाई, तुमने माही को संभाला, तुमने मेरे बच्चों को संभाला। अगर तुम नहीं होते तो क्या होता मेरी माही का, कहां जाती वो, कैसे संभालती वो खुद को। तुमने दोस्ती का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। वेदांत ने रणवीर को हौसला देते हुए कहा, अब भाई होने का फर्ज अच्छे से निभाऊंगा। फिर हंसते हुए बोला, अब आंसू बहाना बंद करो, क्योंकि तुम्हें दूसरों को रुलाना पसंद है, डेविल रणवीर। रणवीर ने उसे अजीब नजरों से घूरा और सोफे पर जाकर बैठ गया। फिर उसे घूरते हुए ही बोला, तुम माही को इंदौर से शिमला लाए हो, अब तुम ही उसे वापस इंदौर लेकर आओगे। वेदांत ने चौंकते हुए कहा, व्हाट, क्यों अपनी बीवी के हाथों मुझे मरवाना चाहते हो? वैसे भी वो तुम्हारा गुस्सा औरों पर निकालती रहती है, और अगर मैंने गलती से भी उसे इंदौर चलने के लिए कहा तो पक्का मेरा मर्डर ही कर देगी। मेरी तो शादी भी कुछ दिनों में होने वाली है। रणवीर ने डेविल स्माइल के साथ कहा, एक महीने बाद तेरी शादी है, कैसा हो अगर मैं प्रिया को बता दूं कि तुम वर्जिन नहीं है, और कैसा हो अगर मैं प्रिया के पास तुम्हारी सारी गर्लफ्रेंड के फोन नंबर पहुंचा दूं जिसके कोई गिनती ही नहीं है, और ये तो और भी अच्छा होगा ना कि वो रोमांटिक फोटोग्राफ वो सारे मैं
प्रिया को गिफ्ट कर दूं। सोच तेरी क्या हालत करेगी वो। वेदांत ने उसे घूरते हुए कहा, तू मेरा भाई है या दुश्मन? यहाँ मैं शादी की तैयारियों में लगा हुआ हूँ और तू है कि मेरी शादी से पहले ही मेरा तलाक करवाने का बंदोबस्त करके बैठा है। लानत है तुझ पर। रणवीर ने उसे थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहा, देखो तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी शादी में अपनी बीवी बच्चों के साथ शामिल हो और मेरे छोटे छोटे क्यूट से बच्चे तेरे आसपास नाचते फिरे। फिर थोड़ा सैड होने की एक्टिंग करते हुए बोला, नहीं तू क्या चाहता है, मैं तेरी शादी में रूखा सूखा बना फिरता रहूं किसी देवदास की तरह? जब रणवीर ने देखा कि उसकी बातों का असर वेदांत पर होने लगा है तो स्माइल करते हुए बोला, देख मेरी दुआ लगेगी तुझे, शादी के बाद पूरे 10 बच्चों का बाप बनेगा तू, देख लेना। वेदांत ने उसे अजीब नजरों से घूरते हुए कहा, ये तू मुझे दुआ दे रहा है कि बद्दुआ? अपने पास ही रख अपनी ये बकवास दुआ, कर दूंगा तेरा काम। रणवीर ने चैन की सांस ली और फिर खड़े होते हुए बोला, ठीक है तो फिर लग जा कल से अपने काम पर, क्योंकि कल स्कूल का फंक्शन अटेंड करने के बाद मैं शाम को ही इंदौर लौट जाऊंगा। रणवीर अभी जाने के लिए पलटा ही था कि वेदांत ने कहा, माही को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ऐसा तुम्हारे कहने पर कर रहा हूँ। उसके सामने ऐसे ही जताना है कि मैं माही का ही साथ दे रहा हूँ, ना कि तुम्हारा, वरना वो कभी राजी नहीं होगी और इंदौर आने के बाद भी उसे यही लगना चाहिए, समझे? रणवीर अपनी पॉकेट में हाथ डालकर उसकी तरफ पलटते हुए बोला, ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा, पर तुम जल्द से जल्द माही को इंदौर लेकर आना। अब मैं चला सोने, मुझे बड़ी नींद आ रही है। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वेदांत ने उसे जाते देखकर कहा, मेरी नींद हराम करके खुद सोने चला गया, ये नहीं सुधर सकता कभी भी। अब प्रिया को भी यहाँ बुलाना पड़ेगा, क्योंकि सारे खुराफाती आइडिया उसी के दिमाग में आते हैं। कुछ देर बाद वो भी सोने के लिए अपने रूम में चला गया। आज स्कूल में एनुअल फंक्शन था तो माही आज घर से जल्दी ही निकल गई, क्योंकि फंक्शन की सारी जिम्मेदारी उस पर ही थी। माही भले ही स्कूल की तैयारियों में बिजी थी, लेकिन उसके जहन में बार बार रणवीर की बातें ही घूम रही थी। तभी उसके कानों में एक लड़की की जानी पहचानी आवाज आई, माही। इस आवाज को सुनकर माही के फेस पर स्माइल आ गई। उसने पलट कर देखा जहाँ वो लड़की खड़ी थी। क्या वेदांत माही को वापस इंदौर लौटने के लिए मना पाएगा? क्या आइडिया देगी प्रिया वेदांत को? कौन थी वो लड़की जिसे देखकर माही के फेस पर स्माइल आ गई? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर। माही ने पलटकर उस तरफ देखा जहां प्रिया एक स्माइल के साथ उसे ही देख रही थी। प्रिया ने अपने कदम माही की तरफ बढ़ा दिए। प्रिया को देखकर माही को थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि अब वो अपनी प्रॉब्लम प्रिया से डिस्कस कर सकती है। प्रिया आकर माही के गले लगते हुए बोली, यार क्या बताऊं, मेरा इतना मन कर रहा था ना तुझसे और बच्चों से मिलने का कि मैं रुक ही नहीं पाई। वैसे तो मैं वेदांत के साथ आने वाली थी, लेकिन मैं पहले ही आ गई। वेदांत को थोड़ा काम था तो वो काम खत्म करके कल आएगा, प्रिया ने माही के पूछने से पहले ही बता दिया। उसने माही को ये नहीं बताया कि वेदांत तो कल ही शिमला आ चुका है और वेदांत ने ही कल उसे कॉल करके सुबह जल्दी शिमला आने के लिए कहा था। वेदांत ने रात को ही प्रिया को सब बता दिया था और दोनों ने कल देर रात तक सारी प्लानिंग भी कर ली थी कि माही को कैसे तैयार करना है इंदौर वापस चलने के लिए। माही ने प्रिया का हाथ पकड़कर कहा, अच्छा हवा तू आ गई, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर माही उसका हाथ पकड़कर उसे गार्डन एरिया में लेकर गई। प्रिया ने बेंच पर बैठते हुए पूछा, बोल क्या बात करनी है? माही उसके बगल में ही बैठ गई और उसे कल की सारी बातें बता दी और रणवीर की वार्निंग भी बता दी। प्रिया ने चौंकते हुए अपनी दोनों गालों पर हाथ रखकर कहा, क्या जीजू ने तुझे ढूंढ लिया? हे भगवान अब क्या होगा? माही ने उसे अजीब नजरों से घूरा तो प्रिया को रियलाइज हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही है। उसने फिर थोड़ा नेचुरल एक्टिंग करते हुए कहा, मेरा मतलब है जीजू को पता चल गया कि तुम यहाँ हो और उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। माही ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ और अब मुझे 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है कि मैं बच्चों को बता दूं कि रणवीर ही उनके डैड है और बच्चे उन्हें अंकल नहीं डैड कहकर बुलाएं। प्रिया ने कहा, हाँ तो सही तो कहा ना जीजू ने, कोई अपने बच्चों से अंकल सुनना क्यों पसंद करेगा? और माही तो एक बार बच्चों के बारे में भी तो सोचना, अब वो बड़े हो रहे हैं, वो भी जब और बच्चों के साथ उनके डैड को देखते होंगे तो कैसा महसूस करते होंगे, उनका भी तो मन करता होगा ना
कि उनके डैड उनके साथ में हो या वो अपने डैड से मिले। वो बेचारे तो एक बार भी अपने डैड से नहीं मिले। अब तुम दोनों की लड़ाई में माहिर और हीर क्यों पिसे? प्रिया की बात सुनकर माही गहरी सोच में चली गई। उसे प्रिया की बात कहीं ना कहीं सही लग रही थी। उसे याद आ रहा था कि जब भी माहिर और हीर और बच्चों को अपने डैड के साथ देखते थे तो अक्सर उदास हो जाते थे। ये सोचकर उसने प्रिया से कहा, ठीक है, मैं आज ही दोनों को बता दूंगी कि रणवीर ही उनके डैड है, लेकिन अगर उन्होंने इस बात का फायदा उठाकर मेरे बच्चों को मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं उनकी हालत खराब कर दूंगी। हाँ, प्रिया ने मन ही मन कहा, वो बच्चों को तुमसे दूर ले जाने नहीं बल्कि तुम्हें भी साथ ले जाना चाहता है। फंक्शन शुरू हो चुका था। रणवीर सबसे आगे एक बड़े ही से सोफे पर बैठा हुआ था। उसके साथ ही स्कूल की प्रिंसिपल अलग चेयर पर बैठी हुई थी। रणवीर की नजरें परफॉर्मेंस पर कम और माही को ढूंढने में ज्यादा बिजी थी, पर माही ने भी इस वक्त रणवीर के सामने न आने की ठानी थी। पूरा फंक्शन खत्म हो गया लेकिन रणवीर को माही कहीं नजर नहीं आई। अब वो फ्रस्ट्रेट होने लगा। उसने अविनाश को फोन करके कहा, तुम्हारी लेडी बॉस इस वक्त जहाँ कहीं भी हो, मुझे पता करके बताओ। करीब 10 मिनट बाद अविनाश की कॉल आई। उसने बताया, मैम घर के लिए निकल गई है। रणवीर की पकड़ फोन पर कस गई। उसने खुद से कहा, मोही कब तक ऐसे भागोगी मुझसे। रणवीर जल्दी से पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। माही ने घर आकर बच्चों के कपड़े चेंज किए और फिर खुद के भी कपड़े चेंज कर लिए। माही ने इस वक्त एक आसमानी रंग की प्लेन शिफॉन साड़ी पहनी हुई थी और अपने लंबे बालों का ढीला सा जूड़ा बनाया हुआ था। बालों की कुछ लट निकल कर उसके खूबसूरत चेहरे पर आ रही थी। उसने अपना पल्लू अपनी कमर में टक किया और बच्चों के लिए कुछ बनाने किचन में चली गई। प्रिया बच्चों के साथ उसके रूम में थी, तभी डोरबेल बजी। माही इस वक्त आधा कूद रही थी। उसने डोर ओपन करने के लिए दो बार प्रिया को आवाज दी पर उसने नहीं सुनी। झुंझलाकर माही ने खुद जाकर डोर ओपन किया तो सामने रणवीर को देखकर थोड़ा चौंक गई। वहीं रणवीर भी माही को देखता ही रह गया। उसके गोरे बेदाग चेहरे पर थोड़ा आटा लगा हुआ था, उसके हाथ भी आटे में सने हुए थे। रणवीर का मन इस वक्त माही को अपनी बाहों में भरकर ढेर सारा प्यार करने का हो रहा था। इससे पहले कि वो रणवीर से कुछ कहती, रणवीर पूरा डोर खोलकर अंदर आ गया और अंदर आकर उसने अपने पैर से डोर बंद कर दिया और अपने हाथ सीने में बांध कर डोर से टिक कर खड़ा हो गया। रणवीर वैसे ही खड़े होकर अपनी इंटेंस नजरों से माही को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। माही के खूबसूरत चेहरे पर बिखरी उसकी रेशमी बालों की लट, उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें और उन पर सजी घनी लंबी पलकें, उसकी छोटी सी नाक, उसके गुलाबी सॉफ्ट होंठ, जिसे देखकर रणवीर का मन हमेशा उसे अपने होठों से छू लेने का करता था, उसकी संगमरमर जैसी खूबसूरत गर्दन और उसकी साड़ी के पल्लू से नजर आती उसकी गोरी नाजुक सी कमर, जिसे रणवीर छूना चाहता था। इतने सालों में माही में बस एक ही बदलाव आया था कि उसका शरीर पहले से थोड़ा भर गया था, जिससे उसका फिगर पहले से और भी ज्यादा हॉट नजर आने लगा था। माही रणवीर की नजरों से काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रणवीर ने गहरी सांस ली और माही के कान के करीब आकर कहा, तुम पहले से भी कहीं ज्यादा हॉट और सेक्सी नजर आने लगे हो स्वीटहार्ट। और फिर एक शरारती स्माइल के साथ माही की आंखों में देखने लगा। उसकी बातें सुनकर माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर उसने गुस्से से उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, आप। पर इससे पहले कि वो आगे कुछ और कह पाती, तभी रूम में से माहिर भागता हुआ बाहर आकर बोला, मम्मा मौसी को समझाओ, देखो मुझे परेशान कर रही हैं। उसके पीछे पीछे ही प्रिया और हीर भी आ गए। माही ने घूर कर रणवीर को देखा, फिर माहिर के पास जाकर उसकी बात सुनने लगी। रणवीर आराम से सोफे पर एक पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। हीर भाग कर उसके गोद में बैठ गई और उसे आज के फंक्शन की सारी बातें बताने लगी। हीर की मीठी बातें उसकी क्यूटनेस को और बढ़ा देती थी। रणवीर ने माही का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए थोड़ा जोर से हीर से कहा, हीर और माहिर, तुम्हें पता है आज तुम्हारी मम्मा तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती है। रणवीर की बात सुनकर हीर और माहिर दोनों अपनी मम्मा की तरफ देखने लगे। हीर ने पूछा, मम्मा
आप कौन सा स्पाइस देना चाहते हो? तो माहिर ने हीर से कहा, बुद्धू स्पाइस नहीं सरप्राइज कहते हैं। हीर ने दोबारा कहा, हाँ मम्मा वही जो भाई ने कहा। अब रणवीर ने माहिर की तरफ देखा और उसे इशारों में ही जता दिया कि अब तुम्हारी बारी बच्चों को सच बताने की है। माही रणवीर का इशारा समझ गई थी। उसने एक बार प्रिया की तरफ देखा तो प्रिया ने भी अपनी पलकें झपकाकर उसे इशारा किया कि उसे बच्चों को सच बता देना चाहिए। माही ने अपने दोनों बच्चों को अपने पास आने का इशारा किया तो दोनों ही बच्चे अपनी माँ के पास चले गए। माही घुटनों के बल उनके सामने बैठ गई। उसका दिल बहुत घबरा रहा था और उसे बहुत ही हिम्मत जुटानी पड़ रही थी। उसने एक नजर रणवीर की तरफ देखा। रणवीर के चेहरे से ही उसकी एक्साइटमेंट झलक रही थी, जैसे अब उससे इंतजार नहीं हो रहा हो। वो जल्द से जल्द अपने बच्चों के मुंह से अपने लिए डैड सुनना चाहता था। माही अपने दोनों बच्चों के गाल पर हाथ रखकर बोली, हीर और माही तुम हमेशा अपने डैड के बारे में पूछते थे ना कि वो तुमसे मिलने क्यों नहीं आते और वो कैसे दिखते हैं, तो मैं आज तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवाना चाहती हूँ। माही की बात सुनकर दोनों ही बच्चे एक्साइटमेंट में उछलने लगे। मम्मा आप सच्ची आज हमें अपने डैड से मिलवाने वाले हो? कहाँ है मेरे डैड बताओ ना। माही ने अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और उसे रणवीर के पास लेकर आई। फिर उसने स्माइल करते हुए दोनों बच्चों से कहा, ये है तुम्हारे डैड रणवीर रॉय कपूर। दोनों बच्चे आंखें बड़ी करके अपने डैड को देख रहे थे। उन्हें देखकर रणवीर के चेहरे की मुस्कान बड़ी हो गई। उसने दोनों बच्चों की तरफ अपनी बाहें फैला दी और दोनों ही बच्चे जल्दी से अपने पिता के सीने से लग गए। माहिर और हीर रणवीर को देखकर बोले, आप ही हमारे डैड हैं? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्या आप हमसे छुपा रहे थे या हमारे साथ कोई गेम खेल रहे थे? इस बात पर रणवीर चुप रहा तो माहिर और हीर ने कहा, डैड बताओ ना आपने हमें क्यों नहीं बताया। अपने दोनों बच्चों के मुंह से अपने लिए डैड सुनकर रणवीर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो अपनी खुशी बयां ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों से बहते खुशी के आंसू सब बयां कर रहे थे। अब वो भला अपने बच्चों से कहता भी तो क्या, क्योंकि तब तो वो खुद भी नहीं जानता था कि ये दोनों उसी के बच्चे हैं। फिर माहिर ने कहा, डैड मम्मा कह रही थी कि आप बिजनेस के लिए फॉरेन गए हो और जब आप फॉरेन गए थे तो हम दोनों बहुत छोटे थे। रणवीर समझ गया कि माही ने बच्चों को समझाने के लिए ये वाली स्टोरी बनाई। रणवीर भी इसी स्टोरी पर आगे बोला, हाँ तुम्हारी मम्मा सही कह रही थी, मैं बिजनेस के लिए गया था और जब तुमने मम्मा से मेरे बारे में पूछा तो मम्मा ने ही कहा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूँ और मैं देखना चाहता था कि मेरे बच्चे मुझे पहचानते हैं कि नहीं, और तुम तो मुझे पहचान ही नहीं पाए। ये सुनकर हीर ने कहा, अरे डैड हम तो छोटे से थे ना, तो हम कैसे पहचानते आपको। रणवीर ने हंसते हुए दोनों के गालों को चूम लिया, फिर प्यार से बोला, अब तो पहचान गए हो ना मुझे, अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। फिर रणवीर ने प्रिया को बच्चों को अंदर ले जाने का इशारा किया तो प्रिया दोनों बच्चों को उनके रूम में वापस ले गई। रणवीर ने माही की तरफ देखा जो सामने खड़ी फर्श को देख रही थी। रणवीर उसके पास आया तो माही ने अपना सिर उठाकर रणवीर को देखा। रणवीर ने देखा तो माही की आंखें नम थी। रणवीर के इतने पास आने से माही वहां से जाने लगी तो रणवीर ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने सीने से लगा लिया। रणवीर के ऐसा करने से माही शॉक्ड रह गई। फिर कुछ पल के बाद वो रणवीर को अपने आप से दूर करते हुए बोली, रणवीर आपने जो कहा था मैंने कर दिया, अब आप जाइए यहाँ से, अब आप इससे आगे कोई और उम्मीद मत रखना मुझसे। पर रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो ऐसे ही माही को अपने गले से लगाए हुए खड़ा रहा। कुछ पलों की खामोशी के बाद रणवीर ने कहा, माही इतनी प्यारी बच्चे देने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। रणवीर की बात सुनकर माही कुछ पलों के लिए खामोश हो गई, क्योंकि रणवीर के बोले गए शब्दों में उसके इमोशन माही साफ महसूस कर रही थी। उसे समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। कुछ वक्त बाद रणवीर ने माही को खुद से थोड़ा दूर किया और फिर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। माही रणवीर को ना देखकर नीचे देख रही थी, जैसे वो अपनी आंखों में उतर आए अपने इमोशंस को छुपाना चाहती हो। माही ने ऐसे ही अपना सिर झुकाए हुए कहा, रणवीर आप चाहते थे कि आपके बच्चों को मालूम हो कि उनकी डैड कौन है, तो मैंने आज उन्हें बता दिया,
लेकिन इसका ये मतलब कभी मत समझना कि हमारा रिलेशन पहले की तरह कभी नॉर्मल हो पाएगा, क्योंकि हमारे रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा है। इतना कहकर माही ने रणवीर से अपना हाथ छुड़ाया और रूम के अंदर चली गई। इससे पहले कि रणवीर उसके पीछे जाता, माही ने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। क्या माही माफ कर पाएगी रणवीर को? क्या रणवीर मना पाएगा माही को अपने साथ चलने के लिए? या हो जाएगा एक बार फिर माही और अपने बच्चों से दूर? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सर पॉकेट एफएम पर। रणवीर ने दरवाजे पर ही अपने दोनों हाथ टिका लिए और अपनी आंखें बंद करके मन ही मन बोला, आज तो मैं जा रहा हूँ माही, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत जल्द तुम फिर मेरे पास होगी, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना जान। इतने साल मैंने कैसे बिताए हैं ये सिर्फ मैं जानता हूँ, और तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़े वो मैं करूँगा। कॉल इट सेल्फिशनेस और लव। रणवीर ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखों में उसका जुनून और प्यार साफ नजर आ रहा था। रणवीर अपने बच्चों से मिलकर वहां से चला गया। वहीं माही दरवाजे से सटकर नीचे बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उन बंद आंखों से भी आंसू बह रहे थे। माही के होंठ धीरे से हिले और उसने कहा, मैं इन शब्दों को सुनना चाहती थी रणवीर, लेकिन तब जब मुझे पहली बार पता चला था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तब जब हमारे बच्चों ने इस दुनिया में पहली बार अपनी आंखें खोली थी, तब जब मैंने अपने बच्चों को अपनी गोद में पहली बार लिया था, हर औरत की तरह मैं भी चाहती थी उस वक्त आप मेरे पास होते, क्योंकि जिसका पति उसका प्यार उसके पास होता है, वो औरत दुनिया का बड़े से बड़ा दर्द तकलीफ बेसहन कर लेती है। आप कहते थे ना कि मैं आपका सुकून थी, लेकिन आप भी तो मेरा सुकून थे। आपका मेरे पास होना ही मुझे एहसास दिलाने के लिए काफी था कि मेरे हर हालात में आप मेरे साथ हैं। आपकी बाहों में आकर मैं अपनी सारी तकलीफें भूल जाया करती थी, पर सब कुछ अधूरा रह गया, बहुत कुछ अधूरा रह गया रणवीर, और शायद ही ये अधूरापन कभी भर पाएगा। रात का वक्त, प्रिया और माही ने मिलकर रात का डिनर तैयार कर लिया था। प्रिया ने माही को बता दिया था कि वेदांत भी रात को शिमला पहुंचने वाला है। डिनर तैयार करने के बाद माही और प्रिया कुछ देर के लिए बैठी ही थी, तभी डोरबेल बजी। प्रिया ने खड़े होते हुए कहा, लगता है वेदांत आ गए हैं, मैं डोर ओपन कर देती हूँ। जैसा कि प्रिया ने कहा था, वेदांत डोर पर ही मौजूद था, और डोर ओपन करते ही प्रिया को बगल में धकेलते हुए वो अंदर आ गया। प्रिया ने अपनी कमर पर हाथ रखकर और अपनी आंखें छोटी करके वेदांत को घूरा। इससे पहले कि प्रिया वेदांत से कुछ कहती, दोनों बच्चे भागते हुए आए और वेदांत से चिपक गए। वेदांत ने दोनों को ही अपनी गोद में उठा लिया और दोनों के गालों पर किस करके उन्हें सोफे पर बैठाया। फिर उसने माही को साइड हग करते हुए कहा, माही तुम ठीक हो ना? माही ने भी स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिलाया। फिर वेदांत सोफे पर बैठकर बोला, माही तुम्हारी झल्ली दोस्त नजर नहीं आ रही। प्रिया वेदांत के बगल में ही मुंह फुलाए बैठी उसे ही घूर रही थी। उसके शक्ल देखकर वेदांत अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर उसने हंसते हुए उसे भी गले से लगा लिया। दरअसल वेदांत को प्रिया को चिढ़ाना बहुत पसंद था। माही किचन में वेदांत के लिए पानी लेने के लिए चली गई। प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारा तो शादी से पहले ही ये हाल है, मैं तुम्हें नजर ही नहीं आती हूँ। शादी के बाद तो तुम मुझे देखोगे तक नहीं, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। वेदांत ने प्रिया के गालों को पिंच करते हुए कहा, मेरी जंगली बिल्ली, जब गुस्सा होने पर तुम्हारा फेस बंदरिया की तरह बन जाता है ना, एकदम फुला हुआ बिल्कुल लाल, तब मुझे देखने में बड़ा मजा आता है, इसलिए मैं तुम्हें चिढ़ाता हूँ। प्रिया ने वेदांत को धक्का देते हुए कहा, व्हाट, तुम्हें मैं बंदरिया नजर आती हूँ? इतना कहकर वो उसे कुशन से मारने लगी। माही ने हंसते हुए कहा, अरे क्या कर रहे हो, अभी सफर करके आए हैं, वो थके हुए हैं, अरे पानी तो पीने दो। ये कहकर उसने पानी का गिलास वेदांत की तरफ बढ़ा दिया। प्रिया ने मन ही मन कहा, हाँ 30 मिनट की दूरी गाड़ी से तय करके आए हैं, बड़ी थकान हो गई होगी, इसकी सारी थकान तो मैं उतारूंगी थोड़ी देर में। रात का डिनर सभी ने साथ में किया। माही ने दोनों बच्चों को सोने के लिए रूम में भेज दिया। फिर प्रिया और माही ने मिलकर किचन साफ किया। फिर वेदांत के साथ हॉल में बैठ गई। प्रिया ने सभी के लिए कॉफी बनाई और माही और वेदांत को उनका कप पकड़ा कर
खुद भी सोफे पर बैठ गई। कॉफी पीते हुए वेदांत और प्रिया दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया। प्रिया ने कॉफी का कप टेबल पर रखा और अपना गला साफ करते हुए माही से बोली, माही तुम्हें पता है हमारी शादी की डेट 1 महीने बाद की फिक्स हुई है। माही ने खुश होते हुए कॉफी का कप टेबल पर रखा और प्रिया को जोर से हग करते हुए बोली, कंग्रेचुलेशन, आखिरकार मेरी दोस्त दुल्हन बनने वाली है। आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। माही की बात सुनकर प्रिया थोड़ा उदास होते हुए बोली, मुझे अच्छा लगता अगर तू ये बधाई मुझे मेरी शादी पर आकर देती। प्रिया की बात सुनकर माही के फेस से मुस्कान एकदम गायब हो गई। फिर उसने थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहा, प्रिया तुझे सब पता तो है, तो क्यों बार बार ये जिद करती है। वेदांत ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए प्रिया से कहा, प्रिया तुम ऐसे जिद मत करो। जब माही खुद ही हमारी खुशियों में शामिल नहीं होना चाहती तो तुम क्यों जिद करती रहती हो। माही ने जब वेदांत की बात सुनी तो उसकी तरफ देखते हुए कहा, वेदांत आप प्रिया को समझाने के बजाय उल्टा उसका साथ दे रहे हैं। प्रिया ने कहा, माही इतने साल तक हम तेरी सारी बातें मानते रहे हैं ना। चल एक बात बता, तुझे जीजू से नाराज की है ना, लेकिन तू पूरे परिवार को क्यों सजा दे रही है। तुझे मालूम भी है सब तुझे कितना मिस करते हैं, इन सब में उनकी क्या गलती। प्रिया की बात पर माही चुप हो गई, क्योंकि उसे भी पता था कि प्रिया की बात कहीं ना कहीं सच है। तभी वेदांत ने कहा, माही क्या तुम्हें अपनी बहन सारिका की बिल्कुल याद नहीं आती है। तुमने तो उनके बेटे को देखा तक नहीं, जिसके लिए तुम कितने सपने सजाती थी। लेकिन पता है वो अपनी मासी को बहुत याद करता है और तुमसे मिलना भी चाहता है। मासी माँ वो आज भी तुम्हें याद करके रोती है। दादी तो एक उम्मीद बांध कर बैठी है कि तुम वापस जरूर आओगी। माही सिर झुकाए उनकी सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि उसे भी पता था कि उनकी बात कहीं से भी गलत नहीं है। अपने परिवार के बारे में सुनकर माही की आंखें नम हो गई। उसने मन ही मन कहा, सही तो कहा वेदांत और प्रिया ने कि मैं रणवीर के साथ साथ पूरे परिवार को सजा दे रही हूँ। प्रिया को जब लगा कि माही पर उनकी बातों का असर होने लगा है तो उसने उसे और इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहा, देख तेरी शादी के वक्त तेरे सभी दोस्त तेरे साथ मौजूद थे, तो मैं भी तो सिर्फ यही चाहती हूँ ना कि मेरे सभी अपने मेरे साथ मौजूद हों। फिर थोड़ा सा और इमोशनल ड्रामा करते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम तेरे लिए कुछ मायने ही नहीं रखते, लेकिन तू हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए तो हम तेरी एक आवाज पर दौड़े चले आते हैं। हम तुझसे सिर्फ यही तो मांग रहे हैं ना कि तुम हमारी खुशियों में शामिल हो। इतना कहकर वो अपने आंसू पोंछते हुए उठकर बाहर की तरफ चली गई। हाँ ये बात अलग है कि आंसू आ ही नहीं रहे थे, लेकिन वो एक्टिंग बराबर कर रही थी। वेदांत भी परेशान होने की एक्टिंग करते हुए उठा और माही से बोला, मैं अभी उसे देखकर आता हूँ, बेचारी थोड़ा उदास हो गई। ये कहकर वो भी प्रिया के पीछे बाहर निकल गया। माही को अब प्रिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसे लगा कि प्रिया उसकी वजह से उदास हो गई है। यही सोचते हुए वो भारी मन से अपने रूम में आ गई। प्रिया बाहर वेदांत का ही वेट कर रही थी। वेदांत के आते ही दोनों ने हाई फाई किया और प्रिया ने बड़े ही प्राउडली वे में कहा, मानते हो ना मेरी एक्टिंग को। वेदांत ने कहा, हाँ मुझे पता है तुम बहुत बड़ी चलती फिरती एक्टिंग की दुकान हो, नौटंकी कहीं की। प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छे से तारीफ करनी भी नहीं आती। अब वेदांत थोड़े सीरियस टोन में बोला, हमने कहीं माही का दिल तो नहीं दुखा दिया। इस बार प्रिया भी थोड़ा सीरियस हो गई। उसने कहा, हमें ये करना होगा माही और बच्चों के लिए, आखिर वो एक अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं। मैं अपनी दोस्त को जिसे मैंने हमेशा अपनी बहन की तरह माना है उसे खुश देखना चाहती हूँ, और उसकी खुशी जीजू के साथ है। मैं चाहती हूँ कि जीजू माही और बच्चे एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ साथ रहे। ये कहते हुए वो रोने लगी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में असली आंसू थे। वेदांत ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसका सिर सहलाते हुए कहा, ऐसा जरूर होगा और हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। इधर माही अपने रूम में बेड पर पिलो को हक करके लेटी हुई थी। प्रिया की बातें याद करके उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे भी अपने परिवार की बहुत याद आती थी। उसे अपने परिवार के साथ बिताया हुआ एक एक पल याद आ रहा था। पता नहीं रात के किस पहर उसे नींद आई। रात के 2 बजे रणवीर अपने कॉटेज में ग्लास विंडो के पास खड़ा सिगरेट के कश ले रहा था। उसकी आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। वैसे तो रणवीर आज शाम ही वापस जाने वाला था, लेकिन उसने जाना कैंसिल कर दिया।
अब वो सुबह जल्दी ही इंदौर के लिए निकलने वाला था। उसके मन में भी उथल पुथल मची हुई थी कि क्या वेदांत और प्रिया माही को इंदौर आने के लिए मना पाएंगे। जब से वो माही से मिला था वो उससे दूर नहीं रह पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो फिर से माही को खो न दे। वो अब अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहता था, उनकी सारी जिम्मेदारी निभाना चाहता था। उसका मन माही के लिए बहुत ही बेचैन हो रहा था। उसने कुछ सोचकर सिगरेट का एक लंबा कश लिया और उसे फर्श पर फेंक कर अपने जूते से मसल कर रूम से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद रणवीर की गाड़ी माही के घर के बाहर खड़ी थी। वो अपनी गाड़ी में बैठा माही के घर को देखे जा रहा था। रात के वक्त ठंड काफी तेज थी और वहाँ कोहरा भी काफी घना था। माही अभी भी तकिए को कसकर पकड़ कर सो रही थी। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू सूख गए थे, लेकिन उसके निशान अभी भी उसके गालों पर थे। वहाँ कोई और भी मौजूद था जो माही को एक टक निहार रहा था। उसकी गहरी आंखें माही के चेहरे को बहुत गौर से देख रही थी। माही के खूबसूरत लंबे बाल तकिए और चेहरे पर फैले हुए थे। रणवीर उसके पास वहीं बेड पर लेट गया और एक टक माही के खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। माही के चेहरे को देखकर वो समझ गया कि वो रोते हुए सोई है, क्योंकि आंसू की सूखी हुई लकीरें उसके गालों पर बनी हुई थी। रणवीर ने अपनी उंगलियों से उसके गाल को सहलाया, पर माही नींद में भी उसके टच को महसूस कर पा रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें रणवीर की नजरों से मिली, जो उसे ही देखे जा रहा था। माही को लगा कि वो एक सपना देख रही है, क्योंकि ऐसा उसके साथ कई बार हो चुका था। नींद में ही उसे कई बार भ्रम होता था कि रणवीर उसके सामने ही है, इसलिए उसने इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया और वो भी एक टक रणवीर की आंखों में देखती रही। रोने की वजह से माही की आंखें थोड़ी सूट गई थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखें बहुत खूबसूरत लग रही थी। माही की आंखों में अभी भी नींद की खुमारी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे पता है तुम एक सपना हो। ये कहकर उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। माही की बात सुनकर रणवीर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन कहा, पर जल्दी ही ये सपना सच होने वाला है जान। रणवीर सारी रात ऐसे ही माही को निहारता रहा। फिर जब उसने मोबाइल में टाइम देखा तो इस वक्त सुबह के 5 बज चुके थे। रणवीर माही के उठने से पहले वहां से जाना चाहता था, पर माही को छोड़कर जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। उसने फिर से माही को देखा जो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। उसने उसका ब्लैंकेट सही किया और फिर उसके होठों पर एक लाइट किस करके उठ गया। रणवीर बेड से उठकर विंडो के रास्ते बाहर चला गया, लेकिन जाते वक्त विंडो बंद करना नहीं भूला, वरना माही को शक हो जाता। क्या प्रिया और वेदांत का प्लान काम करेगा? क्या वो माही को मना पाएंगे? क्या होगा माही का डिसीजन? क्या माही को पता चलेगा कि कल रणवीर पूरी रात उसके रूम में था? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सर पॉकेट एफएम पर। सुबह प्रिया जब फ्रेश होकर बाहर आई, उस वक्त माही किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। प्रिया के आते ही उसने कॉफी का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। प्रिया ने कॉफी लेकर बैठते हुए कहा, माही तुम जल्दी जा गई? माही ने कहा, मेरी नींद जल्दी खुल गई इसलिए। कुछ ही देर में वेदांत भी वहां आ गया। माही ने वेदांत को कॉफी का कप पकड़ाया और खुद भी वहीं बैठकर कॉफी पीने लगी। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। प्रिया ने कॉफी पीते वक्त वेदांत को इशारा किया तो वेदांत ने भी अपने कंधे उचका दिए। कुछ देर की खामोशी के बाद माही ने कॉफी का सिप लेते हुए कहा, कब जाना है? पर प्रिया और वेदांत ने शायद माही की बात को समझा नहीं और अपनी कॉफी पीते हुए ही वेदांत ने नॉर्मल वे में कहा, कल ही निकल रहे हैं। उसे लगा कि माही ने प्रिया और वेदांत के जाने की बात पूछी है, लेकिन तभी प्रिया को कुछ अलग लगा। उसने जल्दी से माही की तरफ देखते हुए पूछा, मतलब? माही ने अपना कॉफी का कप टेबल पर रखा और प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, मतलब हम सबको इंदौर के लिए कब निकलना है? प्रिया और वेदांत का ये सुनना था कि प्रिया तो उछल कर माही के गले ही लग गई। माही तुम सच में हमारे साथ चल रही हो? आई कांट बिलीव दिस, तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, प्रिया ने खुशी से उछलते हुए कहा। माही की बात सुनकर वेदांत ने एक चैन की सांस ली और मन ही मन कहा, फाइनली हमने माही को इंदौर जाने के लिए मना ही लिया। उसने भी खुश होते हुए माही से कहा, माही तुमने वाकई में बहुत अच्छा डिसीजन लिया है।
प्रिया बच्चों के रूम की तरफ जाते हुए बोली, अब बच्चों को भी बता देना चाहिए कि वो अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं। फिर माही की तरफ पलटते हुए बोली, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बहुत बड़ी एक फैमिली भी है। ये कहकर वो बच्चों के रूम में चली गई। प्रिया ने जब बच्चों को बताया कि वो अपनी फैमिली के पास वापस जा रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल खुशी से उछलने लगे। उन्होंने खुश होते हुए कहा, मासी हमारी फैमिली भी है, बहुत बड़ी, हम अभी मम्मा से पूछ कर आते हैं। ये कहकर दोनों रूम से बाहर भाग गए। दोनों ही माही के पास आए और उससे खुश होते हुए पूछा, मम्मा क्या हम अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं? बच्चों की एक्साइटमेंट देखते ही बन रही थी। वेदांत ने माहिर और हीर को अपने सामने किया और कहा, हाँ तुम अपनी फैमिली के पास जा रहे हो, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, वहाँ तुम्हारे दादा दादी भी हैं, बड़े दादा दादी भी हैं, तुम्हारे चाचू मासी सब है, और तुम्हारा भाई भी है, तुम्हारा बिग ब्रदर। हीर ने पूछा, और हमारे डैड भी वहाँ होंगे? वेदांत ने प्यार से कहा, हाँ प्रिंसेस तुम्हारे डैड भी वहाँ होंगे। बच्चे अब खुश होकर डाइनिंग टेबल के चारों तरफ भागने लगे। ये अब हमारी भी बिग फैमिली होगी, हम भी अपने डैड के साथ रहेंगे। बच्चों की खुशी देखकर जहां माही को अपना डिसीजन सही लगा, पर रणवीर के साथ फिर से एक छत के नीचे रहने का ख्याल उसे परेशान कर रहा था। लेकिन फिर उसने मन ही मन कुछ ठाना और रिलैक्स हो गई। प्रिया और माही पैकिंग करने के लिए चली गई। वहीं वेदांत ने भी रणवीर को मैसेज कर दिया था। रणवीर इस वक्त रास्ते में ही था जब उसे वेदांत का मैसेज मिला। उसने मैसेज ओपन करके देखा तो उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा और गाड़ी से बाहर आकर कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। वो आज अंदर से बहुत खुशी महसूस कर रहा था। वो खुशी से चिल्लाना चाहता था क्योंकि अब उसकी माही और उसके दोनों बच्चे उसके साथ रहेंगे। उसने अपने दोनों हाथ अपने बालों में फेरते हुए कहा, फाइनली तुम वापस आ रही हो माही, फाइनली अब मेरी फैमिली मेरे पास होगी। दो दिन बाद कपूर मेंशन में सब बेसब्री से माही और बच्चों का इंतजार कर रहे थे। रणवीर ने आते ही सबको ये गुड न्यूज दे दी थी, जिसे सुनकर सबके चेहरे खुशी से खिल उठे थे। कपूर फैमिली का हर एक सदस्य वहाँ मौजूद था। रणवीर तो बेचैनी से कभी इधर कभी उधर टहल रहा था और बार बार उसकी नजरें मेन गेट की तरफ जा रही थी। सुबह से कम 20 बार वेदांत को कॉल कर चुका था। रणवीर तो उन्हें रिसीव करने के लिए खुद एयरपोर्ट जाना चाहता था, लेकिन वेदांत ने ही उसे आने से मना कर दिया था और उसे घर पर ही वेट करने के लिए कहा था। कुछ ही देर में एक गाड़ी कपूर मेंशन के बाहर आकर रुकी। उसमें से वेदांत, प्रिया, माही और बच्चे एक एक करके बाहर आए। माही बाहर खड़ी होकर कपूर मेंशन को देख रही थी, जिस वजह से वो थोड़ी इमोशनल हो गई। उसे याद आ रहा था जब वो रणवीर की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। कुछ भी तो नहीं बदला था यहाँ, सब कुछ वैसा ही था। माही को कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो इस घर की बहू है। इस घर के लोगों ने हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह रखा था। यहाँ बिताए पलों को याद करके माही के होठों पर मुस्कान आ गई, वहीं उसकी आंखें नम थी। तभी वेदांत और प्रिया दोनों ने उसके कंधे पर हाथ रखा। माही के एक तरफ वेदांत खड़ा था तो दूसरी तरफ प्रिया। दोनों ने मुस्कुराते हुए माही से कहा, वेलकम टू योर होम माही, सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माही ने अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। माही काफी सालों बाद इस घर की दहलीज को दोबारा पार कर रही थी। माही और बच्चे जैसे ही मेन डोर के पास पहुंचे, उन्हें अनीता जी और सारिका वहीं खड़े मिले। अनीता जी अपने हाथ में आरती की थाली पकड़े हुए थी, वहीं उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। सारिका की आंखें भी नम थी। उनको देखकर माही अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाई। अब उसकी आंखों से भी लगातार आंसू बहने लगे। अनीता जी ने माही की और बच्चों की आरती उतारी और तीनों को ही टीका लगाया। फिर आरती की थाल सर्वेंट को पकड़ा कर उन्होंने जल्दी से माही को अपने गले से लगा लिया। माही भी उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, माँ। आज माही अनीता जी के गले लगकर पीछे 5 सालों का दर्द आंसू के सहारे बहा देना चाहती थी। उसने अनीता जी और पूरे परिवार को बहुत मिस किया था। फिर वो सारिका के गले लग गई। सारिका ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, अपनी दी की तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं आई, पहले तो एक दिन भी नहीं रहती थी मुझसे बात किए बिना,
अब देखो इतने साल निकाल दिए। माही ने रोते हुए कहा, नहीं दी, मैं आप सबको बहुत मिस करती थी। सारिका भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। तभी एक प्यारी सी आवाज उनके कानों में आई, मम्मा आप रो क्यों रहे हो? ये सुनकर अनीता जी और सारिका का ध्यान उस तरफ गया, जहाँ छोटे छोटे क्यूट से बच्चे खड़े होकर टुकुर टुकुर उन सबको देख रहे थे। उन्हें देख दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। अनीता जी और सारिका ने उन्हें अपने पास आने का इशारा किया तो दोनों ही अपनी माँ को देखने लगे। माही ने अपने आंसू साफ किए और मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारी दादी और मासी हैं। चलो इनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लो। ये सुनकर माहिर आ गया और उसने अपनी दादी के पैर छुए। अनीता जी ने उसको बड़े प्यार से अपने गले लगा लिया और सारिका ने जाकर हीर को अपनी गोद में उठा लिया। अनीता जी ने माहिर के गालों पर किस करते हुए कहा, माही ये बिल्कुल रणवीर के जैसा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक बार फिर छोटे रणवीर को देख रही हूँ। सारिका ने भी कहा, हाँ और ये बिल्कुल तुम पर गई है माही, तुम भी ऐसे ही लगती थी डॉल की तरह। ये कहकर उसने हीर के गुलाबी गालों पर किस किया। वेदांत ने हंसते हुए कहा, अब अंदर भी आने दोगे या यही रोके रखने का इरादा है? अनीता जी ने हंसते हुए कहा, हाँ चलो अंदर। अंदर हॉल में बैठे सभी लोग उसी का वेट कर रहे थे। दादी तो अपनी स्टिक के सहारे चलती हुई माही के पास आकर रोते हुए बोली, माही मेरे बच्चे, मुझे पता था तू जरूर आएगी। माही जल्दी से उनके गले लग गई और दादी का हाथ पकड़कर उन्हें सोफे पर बैठाया। दादी ने रोते हुए कहा, तुझे क्या एक बार भी अपनी बूढ़ी दादी की याद नहीं आती थी? अरे तुझे कुछ दिक्कत थी तो मुझे कहती, मैं इस नालायक को ही घर से बाहर निकाल देती, तुझे जाने की क्या जरूरत थी। ये कहते हुए दादी ने सामने सोफे पर बैठे रणबीर की तरफ देखा। माही दादी के गले लग गई और रोते हुए बोली, सॉरी दादी, मैं आपको बिना बताए चली गई, लेकिन मैं आप सबको बहुत मिस करती थी। फिर दादी ने मुंह फुलाते हुए कहा, रहने दे, इस बुढ़िया की याद आती तो इतने सालों तक क्यों हमसे दूर न रहती। फिर रणबीर को घूरते हुए बोली, ये नालायक तो हमेशा ही मुझसे मार खाने लायक काम करता है, अब तुझे परेशान करे तो बताना, इसी बेंत से पीटूंगी इसे। रणवीर ने मुंह बनाते हुए दादी से कहा, अगर परेशान न किया होता तो इतने प्यारे पोता पोती कहाँ से देता। चुप कर बेशरम, कुछ भी बोलता है, दादी ने कहा। वहीं वेदांत और बाकी सब बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पाए। माही बेचारी तो शर्म से लाल हो गई। उसने मन ही मन कहा, सच में दादी से पिटने वाले काम ही करते हैं। फिर माही ने माहिर और हीर को सभी घर वालों से इंट्रोड्यूस करवाया। एक एक करके सभी घर वाले माही और बच्चों से मिले। सारिका ने आयुष को भी माही और बच्चों से मिलवाया। आयुष भी अपनी मासी और छोटे भाई बहनों से मिलकर बहुत खुश था। रणवीर भले ही अपने फोन को देखने की एक्टिंग कर रहा था, पर वो चोर नजरों से माही को ही देख रहा था, जिसका एहसास माही को भी था, लेकिन वो पूरी तरह से रणवीर को इग्नोर कर रही थी। रणवीर का तो मन कर रहा था कि माही को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाए, लेकिन माही को इस वक्त सभी घर वालों ने घेर रखा था और अनीता जी के सामने तो ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अनीता जी ने उसे साफ वार्निंग दी थी कि वो माही को परेशान ना करे। इरिटेट होकर रणवीर ने मन ही मन सोचा, पूरी फैमिली से तो मिलना है लेकिन अपने पति से नहीं मिलना है, अपने हस्बैंड से 5 साल दूर रही फिर भी। तभी उसकी नजर अपने बच्चों पर गई, जो उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। रणवीर ने अपनी बाहें फैलाकर उन दोनों को अपने गले से लगा लिया। आयुष ने दोनों से कहा, माहिर और हीर चलो मैं तुम्हें अपने रूम में मेरे टॉयज दिखाता हूँ, फिर मैं तुम्हें पूरा घर भी दिखाऊंगा। दोनों बच्चे खुश होकर उसके साथ भाग गए। कुछ देर बाद सभी ने मिलकर लंच किया। रणवीर माही से अकेले में मिलना चाहता था लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा था, कोई ना कोई उसे घेरे हुए था। फिर वो इरिटेट होकर अपने स्टडी रूम में चला गया। रात तक वो वहीं था। रात के डिनर से पहले वो अपने रूम में आया। उसने सोचा कि माही अब अपने रूम में होगी तो वो अब उससे बात कर सकेगा, लेकिन जब वो रूम में आया तो उसे वहाँ कोई नजर नहीं आया। उसने नोटिस किया कि माही का सामान भी यहाँ नहीं है। उसने एक मेड को बुलाकर पूछा तो उसने कहा, माही मैम ने अपना सामान गेस्ट रूम में रखवाया है। रणवीर का ये सुनना था
कि उसका पारा हाई हो गया। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक सिगरेट सुलगा ली और बालकनी में जाकर उसके कश लेने लगा। उसने अपने आप से कहा, अपने रूम में आने के बजाय गेस्ट रूम में क्यों रहना है उसे? इतने साल दूर रहकर मन नहीं भरा क्या कि अभी भी दूर रहना है? और मॉम भी ना, उन्होंने उसे मना क्यों नहीं किया? मुझे अभी उससे बात करनी होगी। ये कहकर उसने अपनी सिगरेट बुझाई और रूम से बाहर निकल गया। रणवीर अभी गेस्ट रूम की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसने देखा कि माही डाइनिंग हॉल में बैठी हीर और माहिर को खाना खिला रही थी। रणवीर उसकी तरफ बढ़ गया। वो अभी कुछ बोलने ही वाला था कि धीरे धीरे फैमिली के बाकी सदस्य भी वहां आकर बैठ गए। अनीता जी ने जब देखा कि रणवीर वहीं खड़ा है तो उन्होंने रणवीर को भी डिनर करने के लिए कहा। अब रणवीर सभी के सामने तो कोई बात कर नहीं सकता था, इसलिए वो भी माही के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। रणवीर अपना डिनर करते हुए बराबर माही को घूर रहा था, जिसका पता माही को भी था, पर वो उसे फुल इग्नोर कर रही थी, जिसे देखकर रणवीर अपने खाने की प्लेट पर ही अपना सारा गुस्सा निकाल रहा था। माही ने बच्चों को खाना खिला दिया और अब वो खुद भी अपना डिनर करने लगी। पर मजाल है कि उसने एक बार भी नजर उठाकर रणवीर की तरफ देखा हो। वो तो ऐसी रिएक्ट कर रही थी जैसे रणवीर वहाँ है ही नहीं। क्या रणवीर माही से अकेले में बात कर पाएगा? क्या माही रणवीर को माफ करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। माही के ऐसे इग्नोर करने से रणवीर की चिढ़ बढ़ रही थी। रणवीर अपना आधा अधूरा खाना खाकर उठ गया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर के जाते ही माही ने चैन की सांस ली। रणवीर की नजरों से वो काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, इस वजह से वो अपना खाना भी नहीं खा पा रही थी। रात को सभी अपने अपने रूम में आराम करने चले गए। माहिर आयुष के साथ उसके रूम में ही सो गया और हीर अपनी मासी सारिका के पास सो गई, क्योंकि रुद्र यहाँ नहीं था और सारिका माही से कहकर हीर को अपने साथ ले गई। माही ने बैग से अपना नाइट सूट निकाला और चेंज करने वॉशरूम चली गई। वो इस वक्त काफी थका हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए वो शावर लेकर सोना चाहती थी। वो अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछते हुए बाहर आई और ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़े होकर अपने बालों को ड्राई करने लगी। तभी उसकी नजर मिरर पर गई तो वो चौंक गई, क्योंकि रणवीर आराम से उसके बेड पर बैठा हुआ उसे ही देख रहा था। उसे देखकर माही को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने अपनी आंखें बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की और एक गहरी सांस ली। फिर आंखें खोलकर उसके पास आई और अपने हाथ बांध कर उससे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रणवीर ने शरारती स्माइल के साथ कहा, एक हस्बैंड अपनी वाइफ के पास क्या करने आता है? माही ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, अपनी बकवास बंद कीजिए और जाइए यहाँ से, मुझे सोना है। रणवीर ने माही का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा तो माही सीधा उसकी गोद में जा गिरी। माही रणवीर के इस एक्शन के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, इसलिए उसे पहले तो समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। जब रणवीर ने उसकी कमर को पकड़कर अपने और करीब किया तो माही ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसके और अपने बीच एक दूरी मेंटेन करते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप, दूर रहिए मुझसे। रणवीर ने उसके नेक पर किस करते हुए अपनी मदहोश आवाज में कहा, क्यों क्यों दूर रहूं मैं, इतने दिन दूर थे ना हम, पर अब नहीं। ये कहते हुए रणवीर माही से आती भीनी भीनी खुशबू में खोसा गया। रणवीर की गर्म सांसें माही को बेचैन कर रही थी। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बांध ली, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल करके माही ने एक बार फिर रणवीर को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने कहा छोड़िए मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रणवीर ने माही के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा क्या करोगी, मुझे भी देखना है कैसे मुझे अपने आप से दूर करती हो। माही ने पहले रणवीर को घूर कर देखा, फिर उसके कंधे पर जोर से बाइट कर लिया। माही ने रणवीर को बाइट करने में अपना पूरा जोर लगाया था। रणवीर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन माही को छोड़ा नहीं, उल्टा उस पर अपनी पकड़ और कस ली। बाइट करने के बाद भी माही रणवीर के कंधे से हटी नहीं और वही अपना सिर टिका कर सिसकने लगी। रणवीर ने जब माही के सिसकने की आवाज सुनी तो उसने अपना हाथ माही के सिर पर रखकर उसे सहलाने लगा। रणवीर इस वक्त माही की फीलिंग को अच्छे से समझ रहा था। इस वक्त दोनों के बीच एक खामोशी थी, कुछ एहसास थे। रणवीर माही की खामोशी में छिपी हुई उसके
उसकी शिकायतों को महसूस कर रहा था। वही माही अपनी उन पुरानी यादों में खो गई जो अक्सर आंसू बनकर उसकी आंखों से बह जाते थे। कभी कभी कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें बयां करने के लिए हमारे पास लफ्ज नहीं होते, वो बस एक खामोशी बनकर रह जाते हैं। माही के आंसू रणबीर के दिल में दर्द पैदा कर रहे थे। रणबीर के इतने पास होने से माही खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। माही ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और उसके आंसू रणबीर की शर्ट को भिगो रहे थे। जब काफी देर बाद माही थोड़ा संभली तो उसे महसूस हुआ कि वो काफी देर से रणबीर के कंधे पर ही सिर रखे रो रही है। वो रणबीर से थोड़ा दूर हुई और अपनी नजरें दूसरी तरफ फेरते हुए बोली, रणबीर अपने रूम में जाइए। रणबीर ने माही का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके आंसू पोंछे और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमारा रूम माही, तुम यहाँ गेस्ट रूम में क्यों रहना चाहती हो जबकि तुम्हारा खुद का रूम है। माही ने अपने इमोशन को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था। उसने रणबीर के हाथ अपने गालों से हटाए और उसके गोद से उठकर दूर खड़ी होकर बोली, नहीं वो मेरा रूम नहीं है, वो सिर्फ आपका रूम है क्योंकि इस घर में मैं अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए आई हूँ, न कि आपके लिए। रणबीर बेड से खड़ा हुआ और जैसे ही उसने माही के कंधों को पकड़ना चाहा, माही दो कदम दूर हो गई और अपने हाथ के इशारे से उसे अपने पास आने से मना करते हुए बोली, मेरे पास मत आइए। रणबीर के हाथ वहीं हवा में रुक गए और उसने अपने हाथ नीचे करके अपनी मुट्ठियां कस ली। उसे माही की इज्जत पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो माही पर गुस्सा करना नहीं चाहता था क्योंकि पहले ही वो माही को काफी हर्ट कर चुका था, अब उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता था। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, माही कब तक तुम मुझसे दूर रहोगी? तुम मुझसे गुस्सा हो तो निकालो ना अपना गुस्सा मुझ पर, मैं तैयार हूँ तुम्हारी हर सजा के लिए, लेकिन प्लीज ऐसे मुझसे दूर मत रहो। माही ने अपनी नम आंखों से रणबीर को देखते हुए कहा, मैं कौन होती हूँ आपको सजा देने वाली, क्योंकि अब मैं आप पर अपना कोई हक नहीं समझती, कोई नहीं है आप मेरे, आपने खुद मुझे अपनी जिंदगी से निकाला था रणबीर। रणबीर हैरान नजरों से माही को देख रहा था, तभी उसके दिल से एक आवाज आई, माही तुम चाहकर भी इस बात को झुटला नहीं सकती कि तुम आज भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। माही ने जाकर रूम का डोर ओपन करते हुए कहा, अब मैं आपसे और कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, तो बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। रणबीर माही के पास आया और उसके चेहरे के करीब झुकते हुए बोला, तुम चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश करो, लेकिन ये रणबीर आज भी तुम्हारे दिल में रहता है और ये तुम्हारी आंखें साफ बता रही हैं। रणबीर की बात सुनकर माही ने अपनी नजरें झुका ली क्योंकि सच ही तो कह रहा था रणबीर। माही रणबीर से नाराज थी, लेकिन वो आज भी रणबीर से बहुत प्यार करती थी। माही को यूं नजरें झुकाते देख रणबीर के होठों पर स्माइल आ गई क्योंकि माही की झुकी नजरों ने उसकी बात को सच साबित कर दिया था। रणबीर ने माही के चिन्ह को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें जितनी नाराजगी दिखानी है दिखा लो, लेकिन तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि तुम्हारा रणबीर कितना जिद्दी है, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में और अपने रूम में दोबारा लाकर रहूंगा, वो भी बहुत जल्द। ये कहकर उसने माही के होठों पर एक लाइट किस की और एक आंख विंक करके रूम से बाहर चला गया। माही डोर लॉक करके कुछ देर उससे टिक कर खड़ी रही। उसके दिल में इस वक्त एक के बाद एक भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। हाँ, अब उसकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे। उसने एक हाथ अपने सीने पर रखा और आंख बंद करके एक गहरी सांस ली। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और खुद से बोली, अब ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। माही ऐसा कहकर शायद खुद को यकीन दिला रही थी क्योंकि वो जितना रणबीर को जानती थी, रणबीर अपनी जिद का पक्का था, वो जो करना चाहता था वो करके रहता था, और यहाँ तो बात उसकी माही की थी। कुछ देर बाद रणबीर और वेदांत टेरेस पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। वेदांत ने ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहा, रणबीर क्या तुमने माही से बात की? वेदांत की बात सुनकर रणबीर जो अभी ड्रिंक का सिप लेने ही वाला था उसके हाथ रुक गए, फिर कुछ सोचकर उसने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया, फिर गिलास को टेबल पर रखते हुए बोला, गया था उससे बात करने पर वो मुझसे बात करना ही नहीं चाहती है, बल्कि वो तो मेरे साथ एक रूम में भी नहीं रहना चाहती। वेदांत ने उसकी बात पर ऐसे रिएक्ट किया
जैसे उसे पहले ही पता था कि माही ऐसा ही कुछ करेगी। उसने एक नजर रणबीर को देखा और एक गहरी सांस लेकर बोला, तो तुमने क्या सोचा कि वो सब कुछ इतनी आसानी से भूलकर तुम्हारे साथ पहले की तरह रहने लगेगी? रणवीर ने वेदांत को अजीब नजरों से घूरा और उठकर रेलिंग के सहारे खड़ा हो गया। फिर अपने दोनों हाथ रेलिंग से टिकाकर सामने की तरफ देखते हुए बोला, आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? वेदांत भी खड़ा होकर रणवीर के पास आया और अपने हाथ सीने से बांधकर रेलिंग से टेक लगाकर खड़ा हो गया। फिर रणवीर की तरफ देखा, जो सामने की तरफ कहीं शून्य में देख रहा था। वेदांत ने अपना गला साफ करते हुए कहा, माही इतने सालों तक तुमसे दूर थी और जो कुछ उसने सहा है उसे तो उसका गुस्सा निकालने का भी मौका नहीं मिला। उसके दिल में अभी तुम्हारे लिए गुस्सा और नाराजगी भरी हुई है, जो कई सालों से उसने अपने दिल के किसी कोने में दबा रखा था। जब तक वो अपने दिल की सारी भड़ास तुम्हारे सामने नहीं निकाल देती, वो तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू नहीं कर सकती। बहुत शिकायतें हैं उसके दिल में तुम्हारे लिए। रणवीर शांत होकर उसकी बातों को सुन रहा था। उसकी आंखों के सामने माही का उसके कंधे पर सिर रख कर रोना याद आ रहा था। माही के बहते आंसू में रणवीर को उसका दर्द साफ महसूस हो रहा था। उसे याद करके रणवीर के हाथ रेलिंग पर कस गए। तभी उसके कानों में वेदांत की आवाज दोबारा सुनाई दी, वो तुमसे चाहे कितना भी गुस्सा हो लेकिन वो तुमसे नफरत नहीं करती। अगर उसके दर्द की वजह तुम हो रणवीर, तो उसके दर्द का मरहम भी तुम ही हो। रणवीर ने अपने खोए हुए अंदाज में कहा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। रणवीर वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि कुछ सोचकर उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर वेदांत की तरफ देखते हुए पूछा, मासी माँ कब आ रही है? वेदांत ने रणवीर को कंफ्यूजन से देखा और कुछ सोचकर कहा, वो कल ही आ रही है और रुद्र भी आ रहा है, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? वेदांत की बात सुनकर रणवीर सिर्फ मुस्कुराया और वहां से चला गया। वेदांत ने अपना सिर हिलाया और वो भी वहां से चला गया। माही गहरी नींद में सो रही थी क्योंकि उसने इस वक्त स्लीपिंग पिल्स ली हुई थी। दरअसल माही जब भी थोड़ा ज्यादा परेशान होती थी तो उसे रात को नींद नहीं आती थी। 5 साल पहले माही गहरे डिप्रेशन से जूझ रही थी, जिस वजह से उसे कई बार पैनिक अटैक भी आते थे। उस वक्त उसे एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता था। वक्त के साथ वो ठीक तो हो गई, लेकिन आज भी उसे कई बार रात को स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती थी। पिल्स की वजह से माही गहरी नींद में थी। तभी उसके रूम का डोर ओपन कर रणवीर अंदर आया। दरअसल रणवीर को अपने रूम में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने सोचा माही जब यहाँ नहीं आ सकती तो वो खुद उसके पास जाएगा। रणवीर माही के पास आया और उसके बगल में बैठकर उसे एक टक देखने लगा। सुकून से सोती हुई माही उसे बहुत ही प्यारी लग रही थी। तभी उसकी नजर उसके बेड साइड टेबल पर रखी हुई पिल्स पर गई। रणवीर ने पिल्स की बोतल को उठाकर देखा तो वो समझ गया कि माही स्लीपिंग पिल्स की वजह से गहरी नींद में है। उसे बुरा भी लगा कि माही सोने के लिए नींद की दवाई लेती है। उसे वेदांत से माही की मेंटल कंडीशन के बारे में सब पता चल गया था। उसे माही के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था कि उसकी वजह से उसके प्यार को क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा। उसने पिल्स की बोतल वापस वहीं रखी और माही के चेहरे पर झुकते हुए उसके फॉरहेड पर किस किया। रणवीर उसके बगल में ही लेट गया और माही की कमर को पकड़ बिल्कुल अपने करीब कर लिया। माही ने भी नींद में रणवीर को कस कर हक कर लिया और उसके सीने पर सिर रख कर सो गई। माही की ये हरकत देखकर रणवीर के होठों पर स्माइल आ गई। रणवीर को पता था कि अगर उस वक्त वो नींद में नहीं होती तो कभी उसे अपने पास आने नहीं देती। रणवीर को भी एक सुकून सा महसूस हो रहा था, जैसे वो कई सालों से इसी की तलाश में था। वो माही के बालों को प्यार से सहला रहा था। आज कई सालों बाद वो इस तरह माही के करीब सो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और माही के नजदीकी को महसूस करके धीरे धीरे नींद के आगोश में चला गया। क्या होगा माही का रिएक्शन जब उसे पता चलेगा कि रात को रणवीर उसके साथ सो रहा था? जाने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सुबह के अलार्म के साथ ही माही की नींद खुली और वो अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ गई। माही अपने बेड के आसपास जैसे किसी को ढूंढ रही थी। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पास था, लेकिन उसे आसपास कोई भी नजर नहीं आया। उसे थोड़ी हैरानी भी हुई कि क्या वो सपने में रणवीर को फील कर रही थी। तभी ऐसा ही कुछ सोचते हुए
उसकी उंगलियां खुद ब खुद अपने होठों पर चली गई। उसे अपने होठों पर रणवीर की चुवन का एहसास हो रहा था। फिर उसने मन ही मन सोचा, रणवीर यहाँ कैसे हो सकता है। उसकी नजरें डोर की तरफ गई, लेकिन डोर तो बंद था। उसने सोचा कि शायद ये उसका सपना होगा। यही सोचकर उसने अपना सिर झटका और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी अपने अपने काम के लिए निकल गए। रणवीर अभी जा ही रहा था कि तभी अनीता जी ने उसे आवाज देकर रोकते हुए कहा, रणवीर तुमसे जरूरी बात करनी है, जरा मेरे रूम में आओ। फिर उन्होंने माही से भी कहा, माही तुम भी मेरे साथ आओ। माही ने पहले एक बार रणवीर की तरफ देखा और फिर अनीता जी की तरफ देखा, फिर हां में सिर हिलाया और उनके पीछे पीछे चली गई। माही और रणवीर दोनों एक सोफे पर बैठे हुए थे, हालांकि दोनों के बीच में एक दूरी थी। माही रणवीर से थोड़ा दूर हटकर बैठी थी और अनीता जी दूसरे सोफे पर बैठी हुई थी। रणवीर एकदम रिलैक्स होकर बैठा हुआ था और अपना फोन देख रहा था। वहीं माही थोड़ा कंफ्यूज थी, कैसे क्या बात करनी है माँ को, जो उन्होंने हम दोनों को एक साथ बुलाया है। माही ने अनीता जी से पूछा, माँ आपको क्या बात करनी थी हम दोनों से। अनीता जी ने कुछ सोचकर स्माइल करते हुए कहा, बच्चों के एडमिशन के बारे में। अनीता जी की बात सुनकर रणवीर और माही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर रणवीर ने कहा, हाँ मॉम, मैंने स्कूल में बच्चों के एडमिशन के बारे में बात कर ली है और कल ही हमें उनके स्कूल जाना होगा। एडमिशन की बात सुनकर माही के फेस पर कुछ परेशानी के भाव आ गए, जिसे रणवीर और अनीता जी ने भी नोटिस किया। अनीता जी ने कहा, माही क्या हुआ बेटा। माही ने कहा, मैं हीर के बारे में सोचकर परेशान हूँ। ये सुनकर रणवीर ने पूछा, क्यों। माही ने एक नजर रणवीर को देखा, फिर अनीता जी की तरफ देखते हुए कहा, शिमला में जब मैंने हीर का एडमिशन स्कूल में करवाया था, तब भी हीर बहुत ही मुश्किल से क्लास में रहती थी। वो हर वक्त मेरे पीछे पीछे ही भागती रहती थी। मैं माहिर और हीर के स्कूल में ही पढ़ाती थी, इसलिए मैं बीच बीच में हीर को देखने चली जाया करती थी। लेकिन अब हीर को पता चला कि मैं अब उसको स्कूल में नहीं मिलूंगी, तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। मुझे माहिर की चिंता नहीं है, क्योंकि वो हीर से ज्यादा मैच्योर है, लेकिन हीर वो मेरे बिना नहीं रह पाती है। ये कहते हुए माही भी उदास हो गई। माही की बात सुनकर रणवीर अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया, क्योंकि माही भले ही हीर की बात कर रही थी, लेकिन उसके फेस पर साफ नजर आ रहा था कि वो अपने बच्चों से कुछ वक्त के लिए भी दूर नहीं रह सकती। माही को चिंता हो रही थी कि दोनों बच्चे अपना ख्याल कैसे रखेंगे। पहले तो माही खुद स्कूल में दोनों का ख्याल रख लेती थी। अनीता जी ने स्माइल करते हुए कहा, माही बेटा अब कभी न कभी तो उन्हें अकेले जाना ही होगा ना, और धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी। हाँ कुछ दिनों तक वो परेशान करेगी, लेकिन बाद में उसे आदत हो जाएगी, इसलिए तुम चिंता मत करो। तभी वहाँ हीर माही को ढूंढते ढूंढते आ गई। मम्मा आप कहाँ चले गए थे। इससे पहले कि माही हीर को अपनी गोदी में लेती, रणवीर ने आगे बढ़कर हीर को अपनी गोद में ले लिया। हीर भी खुशी खुशी रणवीर की गोद में चली गई। रणवीर ने हीर के गालों पर किस करते हुए कहा, हीर हमने तुम्हारे लिए एक नया स्कूल देखा है, तुम जाओगी ना अपने भाई के साथ स्कूल में, वहाँ पर आयु भाई भी होंगे। हीर ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, न्यू स्कूल, वहाँ पर मामा भी होंगी ना। रणवीर ने हीर का सिर सहलाते हुए कहा, नहीं वहाँ पर मम्मा नहीं होंगी, क्योंकि स्कूल में सब बच्चे अकेले जाते हैं, अपनी मम्मा के साथ थोड़ी ना जाते हैं। फिर हीर ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, डैड मम्मा पहले भी तो मेरे साथ जाती थी ना, अब क्यों नहीं जाएंगी। रणवीर ने कहा, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो और अपना ध्यान रख सकते हो। ये सुनकर हीर थोड़ी रुआसी होते हुए बोली, अगर मुझे आपकी और मम्मा की याद आई तो, और वहाँ पर अगर किसी ने मुझे मारा तो मैं क्या करूँगी। रणवीर ने काफी एरोगेंट वे में कहा, अरे कोई हाथ तो लगा कर बताए, रणवीर रॉय कपूर की प्रिंसेस को। कोई तुम्हें जरा सा भी परेशान करे तो मुझे फोन कर देना, बाकी तुम्हारे डैड सब संभाल लेंगे। माही और अनीता जी हैरानी से रणवीर को देख रहे थे। तभी हीर चहकते हुए बोली, डैड अगर मैं उनकी पिटाई कर दूंगी तब भी आप संभाल लोगे ना, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं ऐसा। तभी हीर को याद आया कि उसकी मम्मा भी यहीं पर है। जब उसकी नजर माही पर गई, जो उसे घूर कर देख रही थी, तो उसने डर कर अपना छोटा सा सिर रणवीर के सीने में छुपा लिया। रणवीर ने हंसते हुए अपनी बेटी को अपनी बाहों में भर लिया। वो समझ गया कि उसकी क्यूट प्रिंसेस
अपनी मम्मा की डांट से डर रही है। माही ने थोड़ा गुस्से से कहा, हीर मेरी तरफ देखो। पर हीर ने माही की तरफ देखने के बजाय अपना सिर उठाकर रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, डैड मुझे आयु भाई और माहिर भाई से कुछ काम है, मैं जा रही हूँ, आप मम्मा को संभाल लेना। ओके। ये कहकर हीर रणवीर की गोद से उतरकर बाहर भाग गई। अनीता जी अपनी पोती की हरकत देखकर हंसते हुए उसके पीछे पीछे चली गई और माही हैरानी से हीर को देखती रह गई। हीर मेरी बात सुनो। माही जैसे ही उठकर उसके पीछे जाने लगी, रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। रणवीर नहीं चाहता था कि उसकी बेटी को डांट पड़े, लेकिन रणवीर के ऐसे खींचने से माही उसके एकदम करीब आ गई। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ी, हीर कुछ ज्यादा ही शैतान हो गई है, उसकी कुछ हरकतें तो बिल्कुल आप पर गई हैं। रणवीर ने उसे और करीब करते हुए कहा, हाँ तो मेरा ही खून है, हरकतें भी तो मुझ पर ही जाएंगी ना। माही ने रणवीर को घूरते हुए कहा, देखिए आप ऐसे तो उसे बिगाड़ दोगे। रणवीर ने उसे चढ़ाते हुए कहा, जैसे तुम तो ऐसा करती ही नहीं थी, तुम भी तो अपने स्कूल और कॉलेज में ऐसा ही करती थी ना। ये सुनकर माही की बोलती बंद हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। वो अपनी नजरें झुकाए हुए बोली, अच्छा आप मेरा हाथ छोड़िए। रणवीर ने शरारती अंदाज में कहा, ना छोड़ू तो। माही ने रणवीर की आंखों में देखकर उसे कुछ कहना चाहा, तभी दोनों का ध्यान एक आवाज पर गया, मत छोड़ना, अब सारी जिंदगी इस हाथ को थामे रखना। रणवीर और माही दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ रणवीर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, वहीं माही कंफ्यूजन से सामने खड़ी औरत को देख रही थी। रणवीर आगे बढ़कर आशा जी के गले लगते हुए बोला, मासी माँ आखिर आप वापस आ ही गई। आशा जी हंसते हुए बोली, आती कैसे नहीं, अब तो मेरे पास दो दो रीजन है खुश होने के। रणवीर ने आशा जी से थोड़ा दूर होते हुए पूछा, दो रीजन? आशा जी ने कहा, पहला वेदांत की शादी और दूसरा माही और तुम्हारे बच्चों से मिलना। ये कहकर वो माही के पास चली गई। माही अभी भी कंफ्यूजन से आशा जी को देख रही थी। आशा जी ने माही के गालों पर हाथ रखा और प्यार से कहा, तुम मुझे नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ, वेदांत से बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, तो माही हो ना मेरे रणवीर का प्यार। फिर हंसते हुए कहा, मैं रणवीर की मासी माँ हूँ, मतलब वेदांत की माँ। पहले तुमसे कभी मिल नहीं पाई, लेकिन जितना मैं तुम्हारे बारे में सुनती थी, तुमसे मिलने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। ये कहकर उन्होंने माही को अपने गले से लगा लिया। माही को आशा जी से बहुत ही अपनापन महसूस हो रहा था। आशा जी ने माही को थोड़ा दूर किया और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। आशा जी ने रणवीर को अपने पास आने का इशारा किया, तो रणवीर आकर माही के बगल में खड़ा हो गया। आशा जी ने दोनों की बलाइयां लेते हुए कहा, परफेक्ट मेट फॉर ईच अदर, मानना पड़ेगा रणवीर तुम्हारी पसंद को। रणवीर ने भी एक तिरछी नजर से माही को देखते हुए कहा, आपको तो पता ही है कि मेरी पसंद कुछ खास ही होती है। रणवीर की बात सुनकर माही ने रणवीर की तरफ देखा। रणवीर ने उसकी तरफ देखकर अपनी एक आंख विंक की, तो माही एकदम से सकपक आ गई। वो आशा जी की तरफ देखकर बोली, मासी माँ वो मुझे माँ से कुछ काम था। ये कहकर वो जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। आशा जी मुस्कुराते हुए उसे देखती रही, फिर रणवीर के कान खींचते हुए बोली, देखा मैंने तूने क्या किया, बेचारी शर्मा गई। रणवीर ने अपना कान छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, आउच मासी माँ क्या कर रहे हो यार। आशा जी ने उसका कान छोड़ा और उसके कंधे पर मारते हुए कहा, बदमाशी आज भी कम नहीं हुई तुम्हारी। रणवीर ने उनका हाथ पकड़ा और बेड पर बैठा कर खुद उनकी गोद में सिर रख कर लेट गया। आशा जी प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोली, बहुत प्यार करता है ना उसे। रणवीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर माही का शर्माता हुआ चेहरा उसकी आंखों के आगे आ गया, जब वो माही से पहली बार मिला था। रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, बहुत बहुत प्यार करता हूँ उसे, उसके शर्माने पर ही तो दिल हार बैठा था मैं। फिर आंखें खोलकर आशा जी की तरफ देखते हुए बोला, पर मेरा प्यार मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने उसे काफी हर्ट किया है। आशा जी ने कहा, वीर तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। रणवीर उठकर बैठ गया और कुछ सोचकर बोला, हाँ मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन उस दौरान माही ने जो भी कुछ सहन किया वो सब भुलाना उसके लिए भी तो आसान नहीं है ना। आशा जी ने रणवीर का सिर सहलाते हुए कहा, वीर चिंता मत करो, सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा,
और फिर माही भी तो तुमसे प्यार करती है ना, बस कुछ वक्त माही को दो, उसके बाद वो तुम्हें माफ कर देगी और फिर मैं हूं ना तुम दोनों का पैचअप कराने के लिए। रणवीर ने आशा जी के गालों को पिंच करते हुए कहा। जानता हूँ मासी माँ, तभी तो कल रात ही मैंने आपसे फोन पर बात करके सारी सिचुएशन आपको बता दी थी। दरअसल कल माही के रूम में आने से पहले रणवीर ने आशा जी को कॉल किया था और उसे सारी बात बताई थी, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसकी मासी माँ माही को वापस उसकी जिंदगी में लाने में उसका पूरा पूरा साथ देगी। दोपहर लंच के बाद घर की सारी लेडीज हॉल में बैठी हुई थी और किसी बात पर आपस में डिस्कशन करने में बिजी थी। दादी ने कहा, आशा अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। अनीता जी ने दादी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ दीदी, और तैयारियों में दिन ऐसे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। वैसे तुम चिंता मत करो, हम सब हैं तुम्हारे साथ तैयारियां करवाने के लिए। तो आशा जी ने कहा, हाँ अनीता मुझे पता है, इसलिए तो मुझे कोई चिंता नहीं है। सुनीता जी ने कहा, आशा दी शादी का वेन्यू डिस्कस किया आपने, मतलब शादी यही इंदौर में करने वाले हैं या फिर राजस्थान में? आशा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, शादी जयपुर में ही होगी, क्योंकि वेदांत की दादी चाहती है कि उनकी पुश्तैनी हवेली से ही शादी हो। ये सुनकर सारिका ने चहकते हुए कहा, वो मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग, बहुत मजा आने वाला है इस बार तो। फिर उसने माही से कहा, माही पता है इनकी पुश्तैनी हवेली किसी महल से कम नहीं है, हम लोग 3 साल पहले ही वहाँ गए थे, मुझे तो बहुत पसंद है वो हवेली, वहाँ जाकर बिल्कुल प्रिंसेस वाली फीलिंग आती है। माही ने भी स्माइल करते हुए कहा, हाँ दी बहुत मजा आने वाला है, वैसे भी वेदांत और प्रिया की शादी का मैं काफी वक्त से वेट कर रही थी। आशा जी ने कहा, शादी की शॉपिंग कल से ही शुरू कर देते हैं और तुम दोनों को ही सारी शॉपिंग करनी है और ये तुम्हारी मासी सास का हुक्म है। आशा जी ने थोड़े ड्रामेटिक अंदाज में कहा तो माही और सारिका दोनों को हंसी आ गई और उन्होंने हंसते हुए कहा, जो हुक्म रानी सा, क्या आशा जी रणवीर और माही का पैचअप करवा पाएंगी? क्या माही रणवीर को माफ करेगी? जाने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।